माँ कसम खा के बोला तेरे को कितनी कमाई हो गई, माँ कसम खा के बोल तेरे को कितनी कमाई हो गई। ये मंचूरियन कर रहा है ना, तेल में हाथ डाल ना डाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं मेरे पास सिर्फ सफ़ेद प्याज और लाल प्याज एक भी नहीं, और आज का जो मार्केट है अपने उस मार्केट में लाल प्याज बिकते सफ़ेद प्याज नहीं। तो देखते हैं तो मार्केट में क्या होने वाला है, ये तो मार्केट चलने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों अभी बजे है 3 बजे और मार्केट चलने का समय भी होते आ रहा है। आज है पिपरी का मार्केट और हमें यहाँ से चलना है 2 किलोमीटर के आसपास चलना है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी लोड करवाना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि समय होते आ रहा है। दोस्तों मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, तो आइस का माल मंडाने के लिए मैं अभी आइस के घर चलता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, ये देखो अपनी सारी तैयारी हो चुकी है। ये सामान अपना आगे रख देता हूँ अपनी पड्डी कटोरी की, फिर चलते हैं। तो देखो अभी मैं आ चुका हूँ आइस के घर और आइस का माल लोड होने जा रहा है यहाँ पे। और क्या क्या है भाई आइस के पास? बातें नहीं कर रहा है। तो चलते दोस्तों क्योंकि हम लेट हो चुके हैं मार्केट के लिए, 3 बजे तो चल जाते हैं। आज 3:30 हमको आज उसके घर ही बजे, तो चलते निकलते अपने मार्केट के लिए। और ये देखो भाई आज के पास एक गाजर वाजर, चल जल्दी जल्दी मंडा। हाँ चल अबे चलना जल्दी चलना वो चल। मार्केट के अंदर एंट्री हो चुकी है और अपना पिपरी का मार्केट, अपनी दुकान अपना माल उतार के मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। और ये देखो भाई क्या कर रहा है अपना, ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई अपना क्या कर रहा है, चाइनीज के लिए गोभी तैयार कर रहा है, मंचूरियन के लिए तैयार कर रहा है। ये देखो भाई गोभी मंचूरियन के लिए ऐसी तैयार की जाती है। और ये देखो ये हमारे सब दोस्त परिवार है, और ये अपना है प्रकाश भाई है नाश्ते वाला। तो चलो भाई अपनी दुकान लगा लेते हैं क्योंकि मार्केट हम जल्दी चालू हो जाता है अपना, मेरे पास जल्दी ग्राहक आ जाता है, इसलिए मैं अपनी दुकान पहले लगा लेता हूँ। ये देखो अपनी सफ़ेद प्याज खुलने जा रही है और आलू बाकी है। ये अपना भाई है मंचूरियन कर रहा है ना, तेल में हाथ डाल ना डाल। गर्म नहीं लगता तेरे को? मैदा इसलिए गर्म नहीं लगता नहीं तेरे को। ये देखो मंचूरियन ताज़े ताज़े फ्रेश मंचूरियन निकलने जा रहे हैं। और इसके है चाइनीज की प्लस देखो पकौड़े समोसे जलेबी की दुकान के साथ साथ चाइनीज की दुकान है। और इसके बगल में है अपने आलू प्याज की दुकान। तो एक कट्टा आलू खोल के हो चुका है दोस्तों, अभी मैं खोलने जा रहा हूँ 2 कट्टे आलू खोलने जा रहा हूँ। दुकान लग चुकी है और मेरे पास ग्राहक नहीं है। तो अभी ये देखो बैटरी भी आई है और ये लाइट पट्टी, तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ। और ये देखो इस सलाख को लगने वाला है अपनी बैटरी और पट्टी। और आयुष आयुष देखो अपनी दुकान चला रहे हैं। और ये देखो आयुष के भी पास ग्राहक नहीं, और ये है आज का मार्केट ऐसा हाल। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ भैया, एक हाथ से मेरे को लगाना पड़ेगा, एक हाथ से नहीं होती है तो 2 हाथ से लगाना पड़ेगा। तो मेरी दुकान लगा के हो चुकी है। और ये देखो आयुष नाश्ता लेके जा रहा है, आलू 20 रुपए किलो है ना, कंदे 20 आलू 20 का। अरे नहीं बाबा खा जा, हमसे नुकसान हो, तुम्हें आलू कंदे नहीं खा ले तो नुकसान हमसे हो ना। कंदे खा जा, आलू खा जा, तुमच्या खाण्यापासून आमचा फायदा है। अभी 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे के बाद का मार्केट अभी दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो ये देखो भाई ये है 7:30 बजे का मार्केट। और अपने जगह पे देखो अपने 5 कट्टे प्याज में से कितनी बची है, ये देखो इतनी सी प्याज बची है। और 3 कट्टे आलू में से देखो इतना आलू है और ये वाला आलू है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, अभी मैं चाय का मज़ा लेता हूँ। तो दिखाता हूँ दोस्तों, देखो ये है अपना मोटे भाई यानी कि आयुष। और आयुष का दुकान का देखो सारा माल ख़त्म हो चुका है, और आयुष भी आज बहुत खुश है, उसका माल बहुत बिका। तो उसको पूछूंगा कि उसको कितनी कमाई हो गई,
और मैं भी बताऊंगा कि दोस्तों मेरे पास कितनी कमाई हो गई। तो ये देखो प्याज में ज़्यादा फूल होने की वजह से मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ा, अपना गल्ला छोड़ के यहाँ पे बैठना पड़ा प्याज काटने पर। बोल रहे भाई क्या बोलता है? आलू 20 और प्याज 20। आलू प्याज 20 रुपये किलो, सफ़ेद वाली प्याज 20 रुपये किलो। और ये देखो भाई अभी भी मार्केट चल रहा है 7:30 बजे। 7:30 बजे यार अभी भी मार्केट चल रहा है। ख़त्म और आयुष का सारा माल बिक गया और आयुष को आज काफ़ी ज़्यादा कमाई हो गई। तो ये देखो आयुष के दोस्त आयुष को मिलने के लिए आ गए यहाँ पे, और देखो आज उसकी तरफ से चाइनीज खाने वाले हैं। 1 किलो होने का है, एक डाल दो, एक ही करो, ठीक है जी, ये डाल दो थैले में। कंधे 20 रुपये किलो। ये देखो दोस्त ये आयुष के फ्रेंड आ चुके हैं आयुष को मिलने के लिए। साहब पैसे रह लें जी? हाँ होते होते चुके होते। तो देखो दोस्तों मार्केट हो गया ख़त्म और हमारी दुकान लपेटे हो चुकी है और हम चलने वाले हैं घर। और आयुष को, आयुष तेरे को कितनी कमाई हो गई आज? 700 रुपये। ईमानदारी से माँ कसम खा के बोला, तेरे को कितनी कमाई हो गई? माँ कसम खा के बोल, तेरे को कितनी कमाई हो गई? पता नहीं बोल रहा, अभी पहले बोल रहा 700 और माँ कसम खाने के बाद बोल रहा पता नहीं। ये ऐसा बहुत झूठ बोलता है दोस्तों, तो इसलिए इसको माँ की कसम देना पड़ता है तब जाके ये सच बोलता है। तो बोल तेरे को कितनी कमाई हो गई? कसम से आज, कसम से सच में बोल, मेरे को ज़्यादा नहीं बची, मेरे को 400-500 बची, क्योंकि महंगे के माल है ना अभी। मेरे को कितनी बची? 1500। देखो भाई इसको बचे हैं आज फेब्रिक के मार्केट में 1500 और मेरे को बचे हैं। मार्केट खत्म होने के बाद दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अपने घर। आज गया है अपने घर, राजू भैया गए अपने घर और मैं आ चुका हूँ अपने घर। तो आज के मार्केट में ना बहुत दिनों के बाद आयुष को 1500 रुपये की कमाई हो गई, नहीं तो पहले 200-300 कभी 120-140 ऐसे होते थे, मतलब लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद आयुष को 1500 रुपये बचे और मेरे को दोस्तों ज़्यादा नहीं बच रहे। न तो पहले इस 2 हफ्ते के पहले ना मेरे को कम से कम 1800-1900-2500 रुपये के वहाँ पे कमाई हो जाती थी, मगर अभी ना हो रही क्योंकि आलू प्याज थोक में बहुत महंगा है और चिल्लर में उतनी बिक्री नहीं है। कितना भी रुपए का लाओ चिल्लर में 20 रुपये के ऊपर नहीं बिक पाता। इसके वजह से वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल पर नए हो या अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।